हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब गार्डनिंग चैनल पे आपका स्वागत है। इस 3 मिनट वीडियो सीरीज़ के पार्ट में मैं लेके आई हूँ और एक गुलाब का पौधा, जिसे कहते हैं इंडियन रोज़, फ्रैग्रेंट रोज़, देशी गुलाब या गांवठी गुलाब। ये एक फ्रैग्रेंट रोज़ की वैरायटी है जो इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन होती है। चलिए लेते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन। एक खुशबूदार पौधा जिसके फूल भी बहुत खूबसूरत होते हैं, वो है ये देसी गुलाब का पौधा। देसी गुलाब का पौधा मैंने 3-4 कलर्स में देखा है। इस रोज़ में मैंने वाइट कलर देखा है, रेड कलर भी देखा है, और आप यहाँ सामने देख रहे हैं वो पिंक कलर, लाइट पिंक कलर भी इसमें आता है। इसे बहुत अच्छा अरोमा आता है। इंग्लिश रोज़ेस जैसे होते हैं जिन्हें खुशबू बिल्कुल नहीं होती है, देसी रोज़ के पौधे में बहुत खुशबू आती है। ये एक ही फूल आज खिला हुआ है। इस पौधे में कलियां बहुत सारी है लेकिन फूल आज एक ही खिला है। गार्डन मेरा खुशबू से भर गया है, स्वीट फ्रैग्रेंट स्मेल से भर गया है। इस पौधे की हाइट बहुत अच्छी बढ़ती है। आप यहाँ देखते, दूर से आपको दिखाती हूँ, तो ये पौधा जो है कम से कम 4.5 से 5 फीट का हो गया है। ये मैंने एक 14-इंच प्लांटर में लगाया है। अगर आप ज़मीन में, सॉइल में इसे लगाते हैं तो और भी उसकी हाइट बढ़ती है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। ये फ्लावर 3 इंच से 4 इंच तक होता है, 3 इंच का होता है। बहुत सारी पेटल्स उसमें आती है। इंग्लिश रोज़ जैसी खूबसूरती नहीं होती है लेकिन स्मेल जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, अरोमा उसका बहुत अच्छा होता है। ये फ्लावर इस पौधे पे, रोज़ के पौधे पे 3 से 7 दिनों तक रहता है। 2 से 3 दिन तो आराम से ये फ्लावर खिला रहेगा और खुशबू भी देता रहेगा। एक स्टेम पे, यहाँ आप देख रहे हैं, एक स्टेम पे इसे 4 से 5 कलियाँ आई हुई हैं। गुच्छे में ये फ्लावर्स आते हैं और कभी कभी तो पूरा पौधा फ्लावर से ढक जाता है। तो अभी देखिए बहुत सारी फ्लावरिंग, यहाँ बडिंग भी हो रही है। ये देखिए, इनका सीज़न है, ये रेनी सीज़न में मेरे यहाँ बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। गुच्छे गुच्छे में फ्लावर्स आते हैं। अभी 12 से 15 कलियाँ मेरे इस पौधे पे आई हुई है गुच्छे में। तो ये विंटर में भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग उसका होता है, विंटर तक इसका फ्लावरिंग होता है। समर सीज़न में कुछ कम होता है लेकिन फ्लावरिंग होता है उसका समर में भी। फर्टिलाइज़र, मैं उसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट पीरियोडिकली, और मेरा जो मिक्स फर्टिलाइज़र है वो मैंने उसे पीरियोडिकली दिया है, जिसमें बोन मील, वर्मी कंपोस्ट और कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र, स्टेरा मील वगैरह मैंने मिक्स किया हुआ है। दोस्तों, अगर आपको मनमोहक रंगों के साथ खुशबू भी गार्डन में चाहिए हो तो ये गुलाब का पौधा, देसी गुलाब, ज़रूर अपने गार्डन में लगाइए। आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय फॉर नाउ, हैप्पी गार्डनिंग।